मैं हूं तारिक अमीन मलिक, आप देख रहे हैं टुडे मीडिया में। मियां नवाज शरीफ आज दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, हमारे साथ शुमैला राणा मौजूद हैं, लीड करती हैं पूरे पंजाब को और मुस्लिम लीग नून को, तो उनसे जानेंगे कि मैम पहले तो आपके आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगी और मियां साहब दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, कैसी खुशी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान के लिए एक बहुत अहम और बड़ा दिन है। हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को एक गासिब ने, पांच मकरूह किरदारों ने मिलकर इक्तदार से अलग किया और फिर उनसे पार्टी प्रेसिडेंटशिप जो है वो सदारत को छीन लिया। तो मैं समझती हूँ कि हक का फैसला हुआ, वो सुरखरू भी हुए और अवाम की अदालत में भी सुरखरू हुए, अल्लाह की अदालत में भी सुरखरू हुए। इंशाअल्लाह ताला आगे अवाम ने उनको जो है उनकी हुकूमत को मैंडेट भी मिला है और अवामी हुकूमत कायम है इस वक्त और हम लोग डिलीवर भी कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि जो जुल्म और जो ज्यादती मियां नवाज शरीफ के साथ हुई है, उन्होंने फिर भी सब्र का मुजाहरा किया, हौसला नहीं टूटा उनका और आज हमारे लिए तो ईद की तरह का दिन है। मैम, आप सोशल मीडिया लीड करती हैं और वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज का बहुत ग्राफ ऊपर जा रहा है, यकीनन आपकी बहुत मेहनत होगी, तो क्या क्या और कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, मरियम नवाज शरीफ की जो सियासी जो ट्रेनिंग है वो नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज और शहबाज शरीफ साहब ने की है। तो जब हमने इनको डिलीवर किया है, पहले भी डिलीवर किया है मुल्क और कौम को, अब भी डिलीवर किया है और मरियम नवाज शरीफ अपने बड़ों के जो है वो फुटस्टेप को फॉलो कर रही हैं और अवाम के दिलों में दिन ब दिन अपनी जगह जो है वो मजबूत करती जा रही हैं। पहले उन्होंने जमहूरियत की जंग लड़ी, अब वो अवाम की जंग लड़ रही है। मैम, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, यूथ है, इसको मस्बत और तामीरी सरगर्मियों को लाने के लिए आपके पास कोई मंसूबा है? बिल्कुल है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जब जब हुकूमत आई है, मुस्लिम लीग नवाज ने हमेशा यूथ के लिए इकदाम किए हैं, चाहे वो लैपटॉप हों, इंडोमेंट फंड्स हों, स्कॉलरशिप्स हों, वो कोई भी मामलात हों जिसमें आईटी का एक सेक्टर जो है वो बेहतरीन काम किया है उन्होंने। हमने लोगों को फ्री लैपटॉप्स दिए हैं, लोगों को जो अवाम की सहूलत के लिए हमने फ्री कर्जा जात दिए हैं और यूथ बिजनेस लोन के नाम पे हमने एक स्कीम का इजरा किया था जो कि नाकदीन को और दुश्मनों को पसंद नहीं आया। अवाम की खिदमत करना, नौजवानों की खिदमत करना तो किसी को यहाँ पे पसंद ही नहीं है और वो खिदमत नवाज शरीफ करते रहेंगे। अगर ये जुर्म अवाम की खिदमत है तो वो अवाम की खिदमत नवाज शरीफ भी करेंगे ये जुर्म, और ये अवाम की खिदमत अगर जुर्म है तो शहबाज शरीफ भी यही करेंगे और अवाम की खिदमत अगर जुर्म है तो मरियम नवाज भी यही करेंगे। मैम, लास्ट के सोशल मीडिया का इस्तेमाल से किस हद तक पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं और नौजवानों के लिए फिर मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है उससे जो है छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुश्किल वक्त में हमारा पत्ता भी जिसे कहते हैं टूट के इधर से उधर नहीं हुआ। कारकुनान पहले से ज़्यादा मुतहद हुए। हमारा जो मुकाबला था वो मुकाबला फस्ताइत, इमरानी फस्ताइत से था। वो पैसा फेंकते थे, हम जज्बा फेंकते थे। पैसा हार गया, जज्बा जीत गया। आज उनके वॉलंटियर जो हैं वो आपको नज़र नहीं आते, जो पेड कॉन्टेंट था, जो पैसा लेके आपको गालियां देते थे, जो माँ बहनों की चादरों को, इज्जत असमत को जो है उछालते थे, आज वो आपको मेंढक जो है फसली बटेरे नज़र नहीं आते। हम लोग जेन्युइन पॉलिटिकल कारकुन थे। हमारा साथी जो सोशल मीडिया पे है, हमारा साथी ग्राउंड पे है, हमारा साथी जो है वो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, जिसमें डिजिटल मीडिया पे है, वो मुतहद है और वो जिसे कहते हैं ना कि बिकाऊ माल नहीं है। उन्होंने मेहनत की और दिल से मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहा है, दिल से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को चाहते हैं वो लोग। उनको पैसे से गर्ज नहीं है। इसीलिए देखें, जब इमरान खान के ऊपर कड़ा वक्त आया तो सबसे पहले उसके लोगों ने उसको छोड़ा। नवाज शरीफ पे वक्त आया बुरा तो उसके लोग पहले से ज्यादा मुतहद हो गए। ये मुस्लिम लीग नवाज है। बहुत शुक्रिया, आपने शुमैला राणा साहब की गुफ्तगू सुनी। ये पंजाब में सोशल मीडिया को लीड कर दिया और इन्हीं की मेहनतों की वजह से मरियम नवाज साहब का ग्राफ भी सोशल मीडिया पे आई जा रहा है और उनकी टीम की भरपूर, यकीनन काबिशें भी है, मेहनतें भी हैं और
उन्हीं की सोशल मीडिया के टीम का समर है कि आज मुस्लिम लीग नून पॉपुलैरिटी का ग्राफ और मनाजर तय करती जा रही है। तो क्योंकि आज जनरल काउंसिल का इजलास था जिसमें नवाज शरीफ साहब ने सदर मुंतखब हुए हैं और उन्हें सदर मुंतखब किया गया, बाकायदा इलेक्शन की डिटेल भी बताई गई है। तो उस तकरीब के बाद शुबैरा राना से हमने गुफ्तगू की, इसी तरह दीगर शख्सियात से भी गुफ्तगू करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।